नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि कल जिस तरह से जेडीयू में लोजपा के 208 नेता शामिल हुए, लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई गई, पर अब उस लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हम तमाम पूरी बात बताएंगे आपको, पर यह बता दें कि कल क्या हुआ था। कल दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के सामने केशव सिंह, जो एलजेपी के बड़े बागी नेताओं में से थे, समेत 208 लोगों ने लोजपा की सदस्यता ली। माफ कीजिएगा, लोजपा छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ली। आरसीपी सिंह के सामने, बड़े जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने सदस्यता ली और मंच से एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान को खूब कोसा गया। नेताओं ने खूब खरी खोटी सुनाई चिराग पासवान को, और एक तरह से यूं कहें तो गालियां भी दी गई मंच से, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो। पर इस बीच जो लंबी चौड़ी लिस्ट जेडीयू की तरफ से दिखाई गई, यानी जेडीयू ने जो लिस्ट जारी की, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं एलजेपी का सिपाही हूं। जी हां, उन्हें गद्दार की संज्ञा दी थी एलजेपी ने। जब 208 नाम जो शामिल हो गए थे, उसके बाद एलजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पर कहा था कि ऐसे गद्दार सिपाहियों को मुबारक हो नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार के यहाँ अब ये गद्दार पहुंच गए हैं और अब नीतीश सरकार जो है उनकी भी पार्टी का बंटाधार वो कर देंगे। ऐसे लोगों को एलजेपी ने पहले ही निकाल दिया था और वैसे लोगों की पार्टी को जरूरत भी नहीं है। ये तमाम बातें एलजेपी की तरफ से कही गई थी। और अब जो है इस लिस्ट में एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। बिहार में फर्जीवाड़े का बहुत खुलासा हो रहा है, क्योंकि कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया, सियासी बवंडर खड़ा हो गया। पर अब जो है नेताओं के लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, आपको बकायदे प्रूफ देकर बताएंगे और उन नेताओं के बयान भी सुनवाएंगे जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ, दो नाम हमारे पास जो आए हैं, जो लिस्ट में शामिल हैं, उनका कहना है कि मैं लोजपा का सिपाही हूँ और चिराग पासवान के साथ खड़ा हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, ये कहना है नेताओं का। तो आपको सुनाते हैं, एक ऐसे ही नेता हैं, ससराम के पूर्व अध्यक्ष हैं, अतुल कुमार सिंह जो ससराम से लोजपा के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं लोजपा का सिपाही हूँ, गद्दार नहीं हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिए पहले आप। मैं अतुल कुमार सिंह, रोहतास जिला लोजपा का पुराना सिपाही हूँ और मैं स्थापना काल से ही पार्टी में हूँ। मैं 3 बार लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ा हूँ और मैं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पारस जी और चिराग जी के नेतृत्व में अपनी आस्था को रखता हूँ और मैं आज भी पार्टी में हूँ। मैं अपने आवास सासाराम में हूँ। मेरे द्वारा, विरोधियों द्वारा जो मेरा दल छोड़ने का घोषित किया गया, लोग किए हैं, उससे उसका मैं विरोध करता हूँ और मैं पार्टी में हूँ और पार्टी में रहूँगा। धन्यवाद। अतुल कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व अध्यक्ष, रोहतास। तो सुना आपने अतुल कुमार सिंह ने क्या कहा। अतुल कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि लिस्ट में नाम मेरा दिया गया है पर मैं लोजपा के साथ खड़ा हूँ, मैं जेडीयू में नहीं शामिल हुआ हूँ, ये कहना है उनका। एक और नाम आपको बता रहे हैं, मांझी विधानसभा क्षेत्र के बनियापुर प्रखंड से, इनका नाम है आदित्य नारायण पांडे, इनका भी नाम लिस्ट में शामिल है। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि मैं लोजपा में हूँ, था और रहूँगा, ये कहना है। तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। आदित्य नारायण पांडे, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा बनियापुर सारण। मैं किसी दूसरे दल में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रहा हूँ। हमें लोजपा पर पूर्ण विश्वास है और रहेगा। मैं लोजपा में ही हूँ। जय। तो सुन लिया आपने, दोनों की ही बात सुनी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। यानी जो 208 नामों की लिस्ट जारी की गई जेडीयू की तरफ से कि ये जेडीयू में शामिल हो गए हैं, और केशव कुमार सिंह
जो उसी कमान संभाले हुए थे बगावत की, और एलजेपी के नेता थे, बड़े नेताओं में शुमार थे केशव सिंह समेत 208 नेताओं ने जो है जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। ये दावा था जेडीयू का। केशव सिंह तो खैर मन से खूब गर्जे चिराग पासवान के खिलाफ, पर अब ये जो नेता सामने आ रहे हैं इनका कहना है कि मैं तो एलजेपी के साथ ही खड़ा हूं, लिस्ट में मेरा नाम कैसे डाल दिया गया। तो दो ऐसे नेता सामने आए हैं जिनका लिस्ट में नाम दे दिया गया कि वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, पर उनका कहना है कि मैं अभी चिराग पासवान के साथ हूं। तो लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा का ये मामला सामने आया है। अभी दो नाम सामने आए हैं, अभी 208 नाम है। 208 नामों में जो एलजेपी ने दावा किया था कि 8 से 10 नामों की बात अगर करें तो वो एलजेपी में हो सकते हैं, उसके एलजेपी के नेता हो सकते हैं, बाकी 200 का तो पता ही नहीं कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से एलजेपी में थे भी या नहीं थे, वो शामिल हो गए जेडीयू में। यानी जेडीयू के दावे को एलजेपी ने कल ही झूठा करार दिया था और आज अब प्रमाण भी मिलने लगे हैं। दो नेताओं ने दावा कर दिया है कि वो एलजेपी में शामिल है, यानी जो जेडीयू का लिस्ट है वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से अगर नेताओं की अगर माने, ये दो नेता तो साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि वो जेडीयू में नहीं है, एलजेपी के ही अंग थे और एलजेपी में ही रहेंगे। तो अब क्या लिस्ट में और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम तो शामिल कर दिया गया पर वो शायद शामिल है कि नहीं है, ये पता चल पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। ये भी कहा गया कि कुछ महासचिव थे पार्टी के, जरूर प्रदेश महासचिव, और कुछ जिला अध्यक्ष लेवल के नेता थे, बाकी जो नेताओं के नाम दिए गए उनका तो कोई अता ही पता नहीं है, वो किस लेवल के नेता थे या फिर जिला या प्रखंड लेवल पर भी उनका कोई स्तर था या फिर किस तरह के पद पर थे। ये तमाम दावे किए थे एलजेपी ने और कहा था कि ऐसे नेताओं का जो वार्ड कमिश्नर तक का चुनाव हार गए, ऐसे नेता गए हैं, ऐसे नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह का दावा किया गया था। तो अब ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, अब देखते हैं आगे कि और भी कई सारे नेता जो है इस लिस्ट से निकल कर सामने आते हैं और क्या कुछ दावा करते हैं कि वो चिराग पासवान के साथ हैं कि नीतीश कुमार के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।